प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अवैध वसूली से नाराज ग्राम प्रधान ने एसडीएम से की शिकायत। यूपी के रामपुर जिले में नरपत नगर दूंदावाला गांव में प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास दिलाने के लिए नाम पर ग्रामीणों से सुविधा शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें वर्तमान ग्राम प्रधान ने एसडीएम स्वार को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। नरपत नगर के ग्राम प्रधान मकसूद खां ग्रामीणों संग तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम आर के गुप्ता से मिलकर दूंदावाला और नरपत नगर में सक्रिय कुछ लोगों द्वारा ग्रामीणों से आवास के नाम पर सुविधा शुल्क वसूले जाने की जानकारी दी। बाद में उन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि शिकायत की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। ग्राम प्रधान ने गांव के निर्धन बेसहारा लोगों के बारे में अवगत कराया जो आवास योजना से वंचित हैं। उन्होंने एसडीएम से जांच कर पात्रों को आवास दिलाए जाने पर जोर दिया। इस मौके पर वसीम अहमद, तौकीर अहमद, शमशेर समेत अनेक ग्रामीण रहे, जिन्होंने एसडीएम से आवासों के नाम पर की जा रही वसूली की शिकायत रखी। कि कुछ लोग जो नए लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हो रहे हैं नगर पंचायत का, वो लोग ग्रामीणों को बहका कर कि हम तुम्हें कॉलोनी दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनसे कुछ अवैध वसूली की शिकायत मुझे मिली थी, तो उसके संबंध में मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच कर कर कार्रवाई करूँगा।